आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। नीमच में मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदेश में केंद्र के समान पेंशनरों को 17% के स्थान पर 34% महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार अभिवेक गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के पूर्व आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए पेंशनरों को उनका वाजिब हक देने की मांग की। वहीं ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों को 34% महंगाई भत्ता स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के नियमित अधिकारियों, कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है, जबकि प्रदेश के पेंशनरों को मात्र 17% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है, जो कि प्रदेश के पेंशनरों के आत्मसम्मान के साथ धोखा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि प्रदेश सरकार भी तुरंत केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता के आदेश जारी कर पेंशनरों को भुगतान करे, अन्यथा आम आदमी पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश में आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। ज्ञापन का वाचन आपके अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बालचंद वर्मा ने किया। ज्ञापन सौंपने के दौरान आपके नवीन कुमार अग्रवाल, अशोक सागर, सत्यनारायण ओझा, नंदकिशोर पाटीदार, रामप्रसाद धनगर और पेंशनर हरीश उपाध्याय, किशोर कुमार कर्णिक, दिनेश सोनी और अन्य साथीगण उपस्थित रहे। आज आम आदमी पार्टी जिला इकाई नीमच के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हम लोग ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने 34% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी 34% महंगाई भत्ता पेंशनर को दिया जाना चाहिए। आप देखें कि इस प्रकार से जो पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, जिसमें 12% तक महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, लेकिन वो ज्ञापन देने के बाद पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए गए थे और उसको 17% किया गया था। अभी वापस से हम लोगों ने मांग की है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार 34% महंगाई भत्ता दे रहा है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार को भी 17% की जगह 34% महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। आप देखें कि जब भारत एक जब हम लोग वन टैक्स की बात करते हैं, तो क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और वहाँ 34% दिया जा रहा है? क्या मध्य प्रदेश के जो हमारे पेंशनर साथी हैं, वो लोग अगर दुकान पे कोई चीज़ खरीदने जाएंगे तो क्या उनको सस्ते मिलेगी, या उनको दवाइयाँ सस्ते मिलेगी, या कोई सामान सस्ता मिलेगा? जब ये विरोधाभास है, वन टैक्स की हम बात करते हैं, तो हम ये बात करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से 34% महंगाई भत्ता दिया जाए, नहीं तो मध्य प्रदेश के आम आदमी पार्टी पूरी इकाई जगह जगह धरना आंदोलन करेगी, इसके खिलाफ ज्ञापन देगी और अगर आंदोलन करके मध्य प्रदेश सरकार को बाध्य करेगी कि वो हमारे पेंशनरों को भी 34% महंगाई भत्ता दिए। तो ये था आप लोग का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।